नमस्कार, मैं ऋषु कुमार लखीसराय जिले के सुजगरा प्रखंड के रामपुर गांव में हूँ। यहाँ पे छठ पूजा को लेकर क्या घाटों का विधि व्यवस्था है और कैसे क्या है, आइए आपको दृश्य में दिखाते हैं और कुछ लोग से बात भी करवाते हैं। आइए यहाँ की जनता से कुछ खास बात करते हैं। गोविंद नवयुवक छठ पूजा समिति रामपुर की ओर से है। हम लोग आपसी सहयोग से, सिर्फ समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही घाट प्रत्येक वर्ष छठ घाट की सफाई करते हैं और जो चंदा आता है उसके रूप में मंदिर निर्माण के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का जहाँ तक हो। इस बार चुनाव चल रहा है, कोई मुखिया प्रत्याशी भी कुछ दिए हैं इसमें योगदान? नहीं, इस बार न तो मुखिया प्रत्याशी न किन्हीं जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं आया है। इसके विषय में क्या कहना चाहिएगा आप? अभी तक तो हम लोग के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो काफी उपेक्षा के शिकार हुए हैं। न तो किसी मंदिर में कहीं तरह साफ सफाई में हम लोग के मदद किए हैं, न ही मंदिर निर्माण में किसी प्रकार का कोई सहयोग भी किए हैं। मतलब सब जनता का पैसा से ही हुआ है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो हुआ है स्थानीय चंदा से ही हम लोग जो किए हैं उसी के द्वारा हुआ है और किसी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं। देख लीजिए ये मुखिया जी के, देखिए ये रामपुर घाट छठ पूजा का मंदिर है जो कि आप दृश्य में देख सकते हैं। समिति के लोग देखिए खुद से साफ सफाई किए हैं जो कि देख रहे हैं आप लोग दृश्य में। यही है रामपुर घाट जो कि आप दृश्य में देख सकते हैं। और ये छठ घाट है और मंदिर है जो भी, वो भी दृश्य में देख सकते हैं। यहाँ रामपुर गांव के कमेटी सदस्य इनसे कुछ खास बात करते हैं कि मूर्ति को लेकर के क्या बात है। अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष हमारे गोपाल चाह है जी, और उन्हीं के माध्यम से पूरे गांव से हम चंदा इकट्ठा करके और यहाँ मूर्ति बैठाते हैं और हम लोग जितना भी सभी सदस्य और जितना भी छठ पर प्रवृत्ति आते हैं पूरा घाट का करके। क्या विधि व्यवस्था है छठ को लेकर के? विधि व्यवस्था बहुत अच्छा है कि छठ घाट के आज चारों पट्टी मतलब मिट्टी उट्टी बिछाते हैं, उसके बाद साफ सफाई करके छठ प्रवृत्ति का जो भी व्यवस्था होता है सब हम करते हैं। आइए कुछ और लोग से बात कराते हैं। ये सब कमेटी के लोग हैं जो कि आप लोग दृश्य में देख सकते हैं। थाना पर भाई चंदन कुमार के हाँ वैसा ही फेंकल कर एकदम बिंदा। ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो।